के आगे ऐसे ही अपनी जान गवाई, बस उस मासूम ने अभी तक अपनी शक्ल ना बनाई। तो इन तकलीफ में निकलता हूं और यहां से भाग जाऊंगा। उस शर्म आई और भक्त से बचाई, देख कर ना भागता वह मुझे मारी डालता। आप तो मित्र घात करने चले थे, ये तुम्हारे दिल का भ्रम है। वरना मित्र घात करना दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म है। मुझे आपसे ऐसी कौन सी कदूरत थी, फिर धोखा देने की क्या जरूरत थी। वास्तव में ये बड़ी खराबी है कि आपकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। मैं बजाय अपनी पहचान नहीं कर सका और अच्छी तरह इत्मीनान नहीं कर सका। हुआ क्या, आप तो बहुत घबरा रहे हैं और बड़े ऐश में आ रहे हैं। थोड़ी है आपके तो नजदीक कुछ हुआ ही नहीं,
मेरा एक एक अंग अभी तक दर्द कर रहा। सुग्रीव जी आप फिर चाहिए बाली को युद्ध के लिए ललकारे, इस बार बाली मैदान में आकर जीवित नहीं जाने पाएगा। महाराज देखना अब की बार बच्चू जाना, अब की बार तो मेरे प्राण ही जाएंगे। नहीं नहीं सुग्रीव जी, आप बाली को युद्ध के लिए बुलाइए, वो मैदान में आकर ही मारा जाएगा। बेहतर की जाए आखिर बात कर जान बचाई और कुछ गलत बन सका तो घर में बच कर जान बचाई। अरे ओ सदाई मालूम होता दिया तेरी थोपड़ी फिर खुलाई घर में ही पता बना रहे जब मैं तार बना रहे। ओ सदा तू उसी तो जवान चलाएगा और अपनी शरारतों से बच नहीं आएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर थोड़ा गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी इसी तरह छोटे भाइयों का हक छीन छीन कर घर से निकालेगी। घर की नचाकी से घर का नक्शा उलट जाता है, लेकिन राजा की बेइंसाफी से राज का नक्शा पलट जाता है। हाँ हाँ मैं समझ गया कि हर्ष की आग ने तुझे मजबूर कर रखा है। ओ प्यारी सुधार की बाल ने तुम्हारा सीधा चकना चूर कर रखा है, तभी इधर उधर के मसले सुधार रही है ताकि जय खटपटा हुआ काटा किसी तरह से कलेज से निकले। बनाना चाहती है कि किसी का खौफ दिखाकर मुझे अंदर धिकेलना चाहती है। एक हमारी का क्या, अगर वो हजार हमारी भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं। तू मेरा दावा छोड़ दे और ज्यादा हैरान ना कर, ना कर आया छोरी की तार के रूप से भी पुत्र के सामने किया।
जो मनुष्य अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो बड़ा दूसरों का क्या सहारा बनेगा। से निकल रही है मगर धर्म के असूल के मुताबिक तुम्हारी बहुत सी गलती है। छोटे भाई की स्त्री बहू के बहू बेटियों के समान होती है। और इसकी तस्दीक के लिए आप उल्टा शिकायत करते हैं। अच्छा अब जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब उसका क्या अफसोस करना है। अपनी तरफ से शिकायत नहीं थी, मेरी तरफ से आप सुग्रीव की तरफ से आप बेफिक्र रहिए।